ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए देखते हैं खबर अमेठी से। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर लगाया अमेठी की उपेक्षा का आरोप। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से पूछा सवाल। प्राप्त जानकारी अनुसार कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर पत्र व ट्विटर के माध्यम से आरोप लगाते हुए उनसे सवाल पूछा कि स्मृति ईरानी जी, पवित्र अमेठी से किए गए वादे को निभाइए। सस्ती लोकप्रियता के लिए अमेठी की जनता और जन प्रतिनिधियों को लग्गी से घास मत खिलाइए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना सांसद धर्म निभाइए। चुनाव के समय जो जनता से वादा किया था उसे निभाइए। जनता परेशान है और आप गायब हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह। प्राइम न्यूज 24 के साथ रामप्रसाद शुक्ला, ब्यूरो अयोध्या के साथ अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। स्मृति ईरानी जी, आखिर जिस अमेठी ने आपको एमपी बनाया उससे इतनी नफरत क्यों, उससे इतनी दूरी क्यों? जब से आप अमेठी की सांसद बनी है मात्र 10 घंटे अमेठी में रही है। सरकारी आंकड़े कहते हैं आप 22 जून को आई, 6 जुलाई को 4 घंटे के लिए आई, 28 अगस्त को 2 घंटे के लिए आई। तब से अमेठी ने आपका दीदार नहीं किया है। आपका पत्र प्राप्त हुआ दिशा की बैठक के लिए। दिशा की बैठक में जनपद की महत्वपूर्ण उन योजनाओं का जो भारत सरकार संचालित करती है वो सारी योजनाएं हालांकि कांग्रेस पार्टी के समय की हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदले हैं, लेकिन कम से कम उनकी निगरानी करने के लिए तो आप आती। साल में पहली बार उस बैठक को आमंत्रित किया गया है और उस बैठक को वर्चुअल के माध्यम से आप करेंगी दिल्ली में बैठकर, जबकि ये महत्वपूर्ण फाइलें पलटनी होती हैं, अध्यक्ष की सहमति होती है, अधिकारी जवाब देता है, इतनी बड़ी मीटिंग इतने सारे जनप्रतिनिधियों के बीच में, इतनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन वर्चुअल आधार पर कैसे होगा? अभी हमने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए आपकी कुछ वर्चुअल मीटिंगें देखी थी, जिसमें लोगों को जाने से रोका गया, जिन लोगों ने अपनी आवाज तेज की उनको डांट कर धक्के मारकर बैठा दिया गया। ऐसी सुनवाई तो हमारे अमेठी के सम्मानित प्रधान और ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्य करते रहते हैं। आप अपने अमेठी के सांसद होने का धर्म को निभाइए। अमेठी के जनता के साथ जनप्रतिनिधियों को मूर्ख मत बनाइए। अमेठी एक पवित्र स्थान है, आपने बहुत सारे वादे किए हैं उसको निभाइए। मानते हैं कि आप अमेठी में अपने मंत्रालय से कुछ नहीं कर सकी हैं, भारत सरकार से अमेठी कुछ नहीं ला सकी हैं, सिर्फ भाषण और अफवाह के अलावा। अमेठी ऐसी विरासत रही है, अमेठी ऐसी धरती रही है जहां पर हर महीने कुछ नया होता था, हर वर्ष करोड़ों करोड़ की सड़कें, फैक्ट्रियां, शिक्षण संस्थान, अस्पताल आदि के आधारशिला रख के भवन निर्माण शुरू हो जाते थे। एक साल में जब आपके दर्शन घंटों में हुए हैं तो अमेठी आपसे कौन सी उम्मीद रखे? उम्मीद करूंगा कि अमेठी के साथ इस तरह के व्यवहार न करिए। अमेठी अछूत नहीं, अमेठी पवित्र है। अमेठी के लोगों को, जनता को, जनप्रतिनिधियों को लग्गी से घास मत खिलाइए और अमेठी घंटों में नहीं दिनों में गुजारिए। ये आपका लोकसभा क्षेत्र है, उस अपने धर्म का निर्वहन करिए, अपने वादे को निभाइए।